खरगोन जिले में कोरोना महामारी के चलते जिला कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड ने शासन की मंशा अनुसार रविवार और सोमवार को पूर्णतः लॉकडाउन का आदेश जारी करके आमजन से अपील की थी कि घर के बाहर ना निकले। बावजूद उसके लोग धड़ल्ले से नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दिए। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। दरअसल जिले में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित होने के बाद आम जन सड़कों पर घूम रहे हैं, लिहाजा पुलिस ने बड़ी सख्ती के साथ सोमवार को थाना कोतवाली के सामने फोर व्हीलर और दो पहिया चालक को रोका और चालानी कार्यवाही को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस ने बताया कि शासन की मंशा अनुरूप लॉकडाउन की स्थिति निर्मित होने के बाद भी लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, इसी के चलते चालानी कार्यवाही करके लोगों को नसीहत दी जा रही है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर महोदय द्वारा दो दिन लॉकडाउन का आदेश पारित किया गया है, उसी को पालन कराने के प्रक्रिया में आज कार्रवाइयाँ चल रही है। लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं कि दो दिन रविवार सोमवार को लॉकडाउन रहेगा और जो अनावश्यक घूम रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर, देखने में आया बहुत से बिना मास्क के भी अभी भी घूम रहे हैं, बैठे हुए भी हैं लोग घूम रहे हैं, उनको हम राजस्व नगर परिषद की टीम के साथ में संयुक्त रूप से चलाने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।